हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में, मतलब निराशा के जो दौरे आते हैं उसके बारे में। निराशा के कुछ लोगों को क्या होता है कि सिर्फ निराशा के दौरे आते हैं, मतलब जैसा एक दौरा आता है वो 2-4 महीने रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक रहता है, और बाद में वो अच्छे हो जाते हैं। फिर कुछ दिन अच्छे रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद में फिर डिप्रेशन का दौर आता है, फिर 2-4 महीने डिप्रेशन में रहेंगे, ऐसा बार 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 उनको होते रहता है। अब आप सवाल करेंगे कि फिर अच्छा आप ही आप हो जाता है, फिर इलाज क्यों करना? क्योंकि वो जो डिप्रेशन का जो दौरा रहता है, भले वो 1 महीने का रहो या 9 महीने का रहो, उसमें जो तकलीफ होती है व्यक्ति को, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो अपने से देखी नहीं जाती, इसलिए उसका इलाज करना जरूरी है। और दूसरा, ये डिप्रेशन के जो पेशेंट रहते हैं उसमें से 2/3 लोगों को खुदकुशी करने की इच्छा होती है, विचार आते रहते हैं, और उसमें से 10-15% लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ये खुदकुशी क्यों करते हैं? क्योंकि जो निराशा की भावना दिमाग में रहती है, उदास रहना, दुखी रहना बिना वजह के, निराशा रहना, फिर कोई काम में रस नहीं रहना, कोई काम में रुचि नहीं, ऐसा लगता है कि भाई अभी मेरा जीवन अंधकार में हो गया, मुझे तो कोई अभी आशा दिख नहीं रही है, मेरा जो भविष्य है वो तो अंधकार में दिख रहा है, मतलब ऐसा उनको लगता है, तो फिर वो उसमें फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उनको लगता है कि अभी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, अतीत में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में उनको बहुत दुख लगता है, और अतीत वो फ्यूचर में ला के रख देते हैं कि भाई अतीत में ऐसा हुआ तो भविष्य में भी ऐसा हो जाएगा, और फिर भविष्य भी उनको डार्क लगता है। उनको लगता है कि भाई ये टाइम जो है ना वो कट नहीं रहा है, मतलब समय जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है आगे, तो उनको एक 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 मिनट उनके लिए बहुत 1 घंटे जैसा लगता है, तो फिर वो काम करते नहीं है, उनका उत्साह कम रहता है, उनकी एनर्जी जो रहती है, तो एनर्जी मतलब ऊर्जा जो रहती है वो ऊर्जा कम रहती है काम में, फिर वही काम करने के लिए उनको बहुत समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, तो उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। फिर काम में रुचि नहीं रहना, काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहना, लक्ष्य नहीं रख, मतलब उसमें ख्याल नहीं रहता, या जो पढ़ा हुआ है जो काम करे वो याद नहीं रहता, तो फिर उसमें उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मुझे तो अभी मैं कुछ काम का भी नहीं रहा। फिर ये लोगों को क्या होता है कि सुबह बहुत ज़्यादा खराब लगता है उठने के बाद में, और फिर जैसा जैसा दिन ढलता है वैसा वैसा वो अच्छे अच्छा होना उनका शुरू हो जाता है, शाम तक थोड़े से अच्छे लगते हैं उनको, बोलते ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, फिर दवा लेते नहीं है या फिर डॉक्टर के पास में जाते नहीं, तो फिर इनकी नींद भी खराब रहती है। जैसा नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, या फिर नींद जल्दी लगती नहीं है, या फिर नींद बीच बीच में बहुत खुलती है तो उनको सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लगता। कुछ लोगों को बहुत रोना आता है, बिना वजह का रोना आता है, बहुत रोते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई रोना क्यों आता है और रोते क्यों, हमको भी समझ में नहीं आता कि रोते क्यों हैं ये, और ये बीमारी है करके लोगों में, लोगों को क्या लगता है कि भाई कुछ तो भी हुआ, कुछ घटना हुई करके उनको दुख हो रहा है, एक्चुअली कुछ भी घटना नहीं रहती, या फिर ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है उससे इतना दुख नहीं होने को ना, जैसा कोई किसी का अंत हो गया, देहांत हो गया, या जॉब छूट गया, या पैसे का नुकसान हो गया, या पैसा मतलब लॉस कर दिया पैसे का, या ट्रांसफर हो गया, या प्रमोशन नहीं हुआ, या एग्जाम में फेल हो गया, मतलब ऐसा, या डाइवोर्स हो गया, या पति पत्नी का नहीं पट रहा है, मतलब ऐसी काफ़ी सारी बातें रहती है, चीज़ें रहती है, या कोई चीज़ घूम गई है, पैसा घूम गया, तो इसमें ये चीज़, मगर ये चीज़ों से इतना बड़ा, इतना ज़्यादा डिप्रेशन नहीं आने को ना कि भाई वो काम ही नहीं कर सक रहा।